दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ह्यूज ट्राइसेप्स बनाना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक करी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो टॉप 5 ट्राइसेप्स बनाने के लिए एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए वो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up Fitness family, this is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel and also welcome to the Wednesday workout series। अब सबसे पहले तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम अपने चैनल पर हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस करने से आपके ट्राइसेप्स में मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि टुडेज वीडियो इज रिक्वेस्टेड बाय 2 पीपल, कुशल गुप्ता एंड येथिन एस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस एंड चलिए अब आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। तो हमारी पहली एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है स्कल क्रशर्स, जिसको आपने ईज बार या फिर जिसे कर्लिंग रॉड भी कहा जाता है उसकी मदद से करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रॉपरली अपने हैंड्स को एडजस्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज के दोस्तों आपने 4 सेट परफॉर्म करने हैं, जिसमें आपने 8-12 रिपीटिशंस लगाने हैं। सबसे पहले सेट में आप एक पर्टिकुलर वेट से 12 रिपीटिशन लगाएंगे, सेकेंड सेट में आपने वेट को इंक्रीज करना है और 10 रिपीटिशन लगाने हैं, थर्ड सेट में आपने वेट को अगेन इंक्रीज करना है, 8 रिपीटिशन लगाने हैं और फोर्थ सेट में भी वेट को बढ़ाने के बाद आपने 8 रिपीटिशन लगाने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है अगर इसके बारे में बात करें तो आपने क्या करना है, अपनी एल्बोज को एक ही जगह फिक्स रखकर जब आपके हाथ नीचे आते हैं तो आपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है और ऊपर ले जाते हुए ट्राइसेप्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज की ओर। तो दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है हमारी सिंगल आर्म ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, जिसको हम सुपाइन पोजीशन में करेंगे एक बेंच पर लेट के। इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10-12 रिपीटिशन इन ईच सेट, क्योंकि दोस्तों ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है तो इसमें हम प्रॉपरली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड प्रॉपरली स्ट्रेच करेंगे और इसीलिए हाई रेपिटिशन ज़्यादा हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म कैसे करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपका जो आर्म है वो ग्राउंड के एकदम 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होगा और एल्बोज़ को दोस्तों फिक्स रख कर जब आपका हाथ नीचे आएगा तो आपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है और जब आप ऊपर लेके आएंगे अपने हाथों को तो आपने ट्राइसेप्स मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि डंबल जब नीचे आएगा तो वो आपने कहाँ पर लेके आना है तो आपने अपने ऑपोजिट वाले ईयर के पास अपने डंबल को लेकर आना है और ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है नीचे ले जाते हुए और ऊपर ले जाते हुए अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। और यही थी दोस्तों हमारी सेकंड एक्सरसाइज। बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की ओर। तो थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों हमारी यहाँ पर ओवरहेड ट्राइसेप रोप एक्सटेंशंस, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10-12 रिपीटिशन इन ईच सेट। हर सेट में दोस्तों आपने वेट को इंक्रीज करना है और जो रिपीटिशंस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। पहले सेट में आपने एक पर्टिकुलर वेट से जो है वो 12 रिपीटिशन लगाने हैं, दूसरे सेट में आपने वेट को इंक्रीज करना है और 11 रिपीटिशंस लगाने हैं, थर्ड सेट में आप अगेन वेट को इंक्रीज करेंगे और 10 रिपीटिशन लगाने की कोशिश करेंगे। टेक्निक सेम रहेगी, एल्बो फिक्स रहकर हाथ जब नीचे आएंगे तो ट्राइसेप्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे और ऊपर ले जाते हुए अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और यही थी दोस्तों हमारी थर्ड एक्सरसाइज। बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की ओर। तो फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर केबल रोप एक्सटेंशंस, जिसके आपने 3 सेट परफॉर्म करने हैं फॉर 10-12 रिपीटिशन इन ईच सेट। पहले सेट में 12 रिपीटिशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेट, देन सेकंड सेट में आप वेट को इंक्रीज करेंगे और 11 रिपीटिशंस लगाएंगे, थर्ड सेट में अगेन वेट को इंक्रीज करेंगे और 10 रिपीटिशन लगाने की कोशिश करेंगे। टेक्निक सेम रहेगी, हाथ नीचे आएंगे ट्राइसेप्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ ऊपर जाएंगे तो ट्राइसेप्स अच्छे से स्ट्रेच होगा। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज की ओर। तो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर किक बैक्स, जिसमें हम सिंगल आर्म की मदद से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे।
और यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, सेम टेक्निक के इस्तेमाल से जब आपका डंबल आगे की तरफ आएगा तो आपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, और जब आप किक बैक परफॉर्म करके जब डंबल को पीछे लेके जाएंगे तो आपने ट्राइसेप्स मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस एक्सरसाइज के दोस्तों हम 2 से 3 सेट परफॉर्म करेंगे फॉर 10 to 12 रिपीटेशन इन ईच सेट। मेक श्योर दोस्तों आप इसमें लाइट मीडियम वेट का इस्तेमाल करें ताकि आप मसल को अच्छे से स्ट्रेच एंड अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं। ऑल्सो मेक श्योर दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपका जो टेम्पो है यानी कि आपकी स्पीड है वो एकदम स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। और इसके बाद हम यहां पर करेंगे थोड़ी सी पोजिंग। सो दैट वॉज आर टॉप 5 एक्सरसाइजेस फॉर ट्राइसेप्स गाइज। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इन एक्सरसाइजेस के मैक्सिमम बेनिफिट्स देखना चाहते हैं तो इसके साथ आप एक अच्छा सा हेल्दी डाइट भी फॉलो करें, या आप एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करें। अगर आप लोग मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिंक करी हुई है, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपने बस एक चीज को और फॉलो करना है जो कि है गुड स्लीपिंग पैटर्न्स, जिसमें आपने हर दिन 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जरूर लेनी है। और अगर आप दोस्तों वर्कआउट की बात करें कि इस वर्कआउट को आपने कितने टाइम तक फॉलो करना है तो आप इसको 1 से 1.5 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करके एक अच्छा पैकेज बना के इनको रेगुलर बेसिस पे ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने में ही बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी हम हेल्थ एंड फिटनेस की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप हमारे साथ वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज़।